पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्कृषि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वांग्मय में कहा गया है, विविह गुण तवो रएय नित्यम भवई निराशये निज्जरथिये तव साधुनई पुराण पावगम दुत्तो सया तव समाहिये। अध्यात्म की साधना में अहिंसा महत्वपूर्ण तत्व है, संयम भी एक साधना का अंग है। तीसरा अंग अध्यात्म की साधना का तप होता है, तपस्या। तपस्या का अपना महत्व है, हमारे जीवन में तपोबल भी अगर हो तो एक अच्छी बात हो सकती है। तपस्या के अनेक रूप अनेक प्रकार होते हैं। जैन वांग्मय में तप के 12 प्रकार बताए गए हैं और जितना भी शुभ योग है, अशुभ योग नहीं, शुभ योग जितना भी है वह तप होता है। शुभ योगस तप है, शुभ योग तप है। कोई साधु को वंदन करता है विधिवत, तो वो वंदना करना भी अपने आप में तप हो जाता है। कोई स्वाध्याय करता है विधिवत, वह स्वाध्याय करना भी तप हो जाता है। उपवास करता है वह भी तप है। तो तपोधन, आदमी को तपोधन भी बनना चाहिए। तपस्या जिसका धन है, उपवास बेला तेला आदि और भी बड़ी बड़ी तपस्याएं की जाती हैं, तो यह भी एक अपनी पूंजी है, तप है। और उपवास बेला तेला जब तक शरीर की अनुकूलता है तब तक जितना किया जा सके, द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देख कर वह कर लेना चाहिए। बाद का भरोसा नहीं है, शरीर का स्वास्थ्य कैसा रहे कैसा न रहे, जब अनुकूलता है और द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब ठीक लग रहे हैं तो जो कर सके वो तप आदमी को, चारित्रात्मा को भी करने का प्रयास करना चाहिए। इस सन 2023 के प्रवास में चतुर्मास चतुर्मास से पहले का भी समय जो भी, कितनी तपस्या यहाँ बृहत्तर मुंबई में हुई है। 21 रंगीर, कितने लगभग 125 मास खमन और भी कितनी तपस्या यहाँ हुई है। नंदन वन में हमारा प्रवास हुआ और वह नंदन वन तो मानो तपोवन जैसा बन गया था, तपोवन। इतनी चारित्रात्माएं वहाँ थी, तपस्वी तपस्विनी समणी जी भी वहाँ थी और आप जैसे कितने श्रावक श्राविकाएं वहाँ रहते थे, जो कोई पौषध करते, कोई सामायिक करते और कोई धर्माराधना करते, स्वाध्याय करते, क्लासेज चलती। तो वह तपोवन जैसा प्रतीत होने लगा।
तो हमारे जीवन में ये तपस्या भी होनी चाहिए जितनी संभव हो सके। नवकार सी है नमस्कार संहिता, जो छोटा सा तप है, रात के 12 बजे से सुबह नवकार सी आने तक चारों आहार का परिहार हो जाए, चारों आहार छोड़ दे तो नवकार सी का तप हो सकता है। परंतु ये भी शरीर ठीक है तब तक हो जाए, बाद में तो कोई गृहस्थों में भी कि हमारे तो दवाई लेनी पड़ती है, पानी पीना पड़ता है, तो फिर नवकार सी होना भी मुश्किल हो सकता है। तो शरीर ठीक है तब तक जो हो जाए वो करने का प्रयास करना चाहिए। यानी पूंजी, ये अपना संचय, धन का संचय किया जाता है, ऐसे धर्म का संचय, तपस्या का संचय हम करें। संस्कृत में कहा गया, अध्रुवाणि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः, नित्यम सन्निहितो मृत्युः, कर्तव्यो धर्म संचय है। कि शरीर तो अशाश्वत है, धन संपत्ति भी शाश्वत नहीं है, और मृत्यु दिन दिन जा रहे हैं, वर्ष जा रहे हैं, तो निकट आ रही है, तो क्या करें। बस एक काम करो, धर्म का संचय करो, धर्म का संग्रह करते रहो। अब तपस्या के संदर्भ में कोई यह ध्यान दे ले भी मैंने मांस खमन कर लिया है, वो मैंने अठाई की है, वो तेला किया, यह सब मेरा धर्म का संग्रह हो रहा है, कि इस साल यह तपस्या की, अगले साल और जो कर सकूं और ज़्यादा करने का प्रयास करूं, तो मेरे तपस्या का भी संचय होता जाए। रोज नवकार सी करता है, रात को 12 बजे से लेकर सुबह एक मुहूर्त दिन चढ़े तक न खाना न पीना न पानी पीना न कुरला करना कुछ नहीं, तो यह भी एक तप है गृहस्थों के लिए। रोज यो नवकार सी होती रहती है तो मानो तपस्या का वो संचय हमारे भीतर में, आपके भीतर में होता जा रहा है। तो छोटा सा तप नवकार सी है, पर स्वास्थ्य की अनुकूलता उसके अनुरूप हो तो वह तप हो सकता है, करने वाले कर सकते हैं। और कोई पोरसी करते हैं, कोई एकासन कर लेते हैं, कई वर्षी तप करते हैं, तो वर्षी तप करना भी एक अपना तपस्या का संग्रह है। वर्षी तप करना 12 महीनों से ज़्यादा समय तक, यो एक दिन खाना एक दिन नहीं खाना वो करे, तो वो भी एक अच्छा तप है, संग्रह हो जाता है। और वर्षी तप अखंड हो तो बहुत बड़ी बात, अखंड हो। अब कभी कभी बीच में कह स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो लगातार दो दिन खाना पड़ गया, डॉक्टर ने कह दिया दवाई लेनी पड़ेगी, 5-7 दिन बीच में छूट गया, तो ठीक अब शरीर है, पर अखंड वर्षी तप हो जाए, बीच में एक दिन भी नहीं छूटा, लगातार एक दिन खाना और एक दिन नहीं खाना, उस रूप में अखंड वर्षी तप हो, उसकी बहुत अच्छी बात है। बीच में कई बार शरीर आदि शरीर की स्थिति हो तो लगातार भी खाना पड़ जाए, इंजेक्शन लगवाना, डॉक्टर के हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ जाए दुर्भाग्य से, तो बीच में वो थोड़ा खंडित सा हो जाता है, ठीक है, फिर थोड़ा उपाय है प्रायश्चित तो लेकर के। परंतु 10 उपवास से भी ज़्यादा छूट गए, 15 उपवास 20 उपवास हुए ही नहीं, फिर तो वो वर्षी तप अमान्य, वो फिर वर्षी तप मान्य नहीं है। इतने उपवास छूट गए हैं कि एक महीना रोज खाना खा लिया, बीच में एक महीना रोज खाना खा लिया, और वर्षी तप अमान्य की स्थिति में आ सकता है। तो यह वर्षी तप भी एक अच्छा तपस्या का क्रम है, तपस्या है। तो अनेक रूपों में यह तपस्या हो सकती है। अब स्वाध्याय करे कि रोज 5 पृष्ठ भी पढ़ूंगा, रोज 15 मिनट भी स्वाध्याय करूंगा, तो रोज बराबर करते रहें
तो ज्ञान का विकास हो सकता है, अच्छी प्रेरणा मिल सकती है, मन भी लग सकता है, शुभ योग में समय बीतता है। तो नियमित रूप में कोई स्वाध्याय करता है तो वह भी एक प्रकार का तप है, शुभ योग है। तो उपवास बेला तेला मान लो सबसे नहीं हो पाता, तो स्वाध्याय करना तो आसान है, थोड़ा व्यवस्थित अपना समय तय कर ले, स्वाध्याय करता रहे तो वह भी एक प्रकार का तप है, उसका भी संग्रह है, ऐसे किया जा सकता है। उपवास नहीं, उनोद्री करे आदमी थोड़ा, कभी उपवास तो मेरे इतना सूट नहीं करता, तो उनोद्री कर लो कि खाना खाना है, ब्रेकफास्ट है, लंच है, शाम का डिनर है, तो भैया मैं इसमें थोड़ी कमी रखूं, चार फुलका की भूख है तो तीन फुलके से ज़्यादा आज नहीं खाऊंगा, उनोद्री हो गई। तो वो उनोद्री भी अपने आप में एक तप हो जाता है। तो यों अनेक रूपों में तपस्या, खासकर 12 भेद हैं, तो उनका अनुशीलन होता है। और इधर अपना एक आसन में बैठ करके ध्यान आदि करना, कायोत्सर्ग करना, आसन में स्थिर बैठना, कायोत्सर्ग आदि करना, यह भी एक तपस्या है। अपने इंद्रियों का संयम रखना, मन वचन काया का संयम रखने की साधना करना, तो प्रतिसल्लीनता तप हो जाता है। कोई प्रायश्चित लेना भी तप है, कहीं कोई दोष लग गया, गलती हो गई, तो उसका प्रायश्चित ले लेना वह भी अच्छी बात है, तप का ही एक प्रकार है। जैसे साधु हैं, मान लो अब साधु हैं, चारित्रात्माएं हैं, अब कोई संयम में दोष लग गया, कोई प्रमाद हो गया, गलती हो गई, तो उसका अपने जो बड़े अधिकृत हैं प्रायश्चित देने के, उनसे प्रायश्चित ले ले तो वो तपस्या भी हो गई, वो शुद्धि हो सकती है। वरना वो दोष लगे, एक कपड़ा है, एक चद्दर है, एक तो साफ आपने धोली, एकदम साफ सुथरी है, वो कितनी अच्छी लगती है। उस चद्दर में कहीं कोई धब्बा लगा हुआ है, इधर धब्बा उधर धब्बा, उस देखने में वो चद्दर की, ये तो धब्बे वाली है, गंदी, अच्छी साफ सुथरी। आप लोग कपड़े पहने हुए हैं, साफ सुथरे होते हैं भी, एक साफ सुथरे कपड़े हैं, अब कपड़े में कहीं कोई कीचड़ लग गया, छिंटे लग गए, तो वो देखने में भी एक छिंटे, खराब छिंटे लग गए हैं। अब खराब छिंटे लग गए, उनको अच्छी तरह धो लिया जाए, साबुन आदि से अच्छी तरह धो लिया, तो कपड़ा वापस साफ सुथरा हो सकता है। इसी प्रकार साधु है, यह संयम की चद्दर है, इतना लंबा मान लो जीवन काल है, आदमी के परिणाम कभी खराब हो जाए, कभी गलती हो जाए, कभी जानबूझ गलती, कभी अनजान में गलती, किसी रूप में गलती हो जाए, कभी मजबूरी में चिकित्सा वगैरह कराना, उसमें कुछ हो गया, तो वो जो भी हो गया उसकी आलोचना प्रायश्चित, वो टाइमली अपना काम हो जाए, जो आलोचना मिले प्रायश्चित मिले वो निर्वहन उसका कर लिया जाए, उतार दिया जाए, तो वो बढ़िया बात है। वरना आलोचना अगर ली नहीं हमने, आलोचना ली तो वापिस को उतारा नहीं, ऐसे ही पड़ी रहे पड़ी है, तो उससे फिर हमारी शुद्धि में कमी रह सकती है। तो यह संयम की अमल धवल चद्दर जो होती है, तो आगे ऊपर जाए तो धब्बे सहित, वो धब्बे लगे न रहे, आत्मा के साथ हो जाए। इसलिए मरने से पहले पहले अच्छी आलोचना अपनी कर ले, अच्छी आलोचना हो जाए कि मुझे जो भी दोष लगे हैं सब आलोचना ले लूं, साफ हो जाए, फिर आत्मा निर्मल होकर के ऊपर जाती है, तो वो एक अच्छा क्रम रहता है। इसलिए यह जो तपस्या है वो एक शुद्धि का उपाय है, शोधन उससे होता है। तो हमें यह अध्यात्म का जो मार्ग मिला है, और इसमें यह कन्फेशन कि अपनी गलती को स्वीकार कर लो, गलती को हम छिपा लेंगे
बताएंगे नहीं जो हमारे अधिकृत हैं, कि वो उन्होंने पूछा तो भी हमने गलती छिपा ली, बताई नहीं, झूठ बोल गए, कपट कर लिया, वो कर लिया। ये झूठ कपट करने से फिर हमारी शुद्धि कैसे होगी? वो गलत दोष लगे रह जाएंगे, पाप लगा रह जाएगा। तो बात फिर आदमी कभी तो जीवन का समापन हो जाता है, वो साथ में पाप लेकर के जाएगा तो आगे फिर कठिनाई हो सकती है। इसलिए यहाँ की गंदगी यहीं छोड़ दे, यहाँ की गंदगी, इस जन्म की गंदगी यहीं छोड़ दे, वो बढ़िया बात है। वो गंदगी साथ में न जाए, इसके लिए आलोयना प्रायश्चित है, वो एक उपाय है। बस टाइमली अपना मान लीजिए आदमी को 85 वर्ष आ गए, 87 आ गए, 83 आ गए, आदमी सोचे भाई जिंदगी में कहीं मेरे नियम त्याग व्रत कोई लिया हो उसमें कहीं भांगा पड़ गया हो और कोई पाप विशेष लग गया हो तो मैं उसकी शुद्धि कर लूँ। ठीक है, और जीवन चलेगा तो चलेगा, एक बार अब इतना इतने वर्ष आ गए हैं, मुझे याद है अमुक वर्ष में किसी की चोरी मैंने कर ली थी, किसी का सामान चुरा लिया था, किसी का पैसा दबा लिया था, ऐसा कुछ किया था, तो भी अब मैं ठीक गलती हो गई सो हो गई, अब उसकी शुद्धि तो करूं, प्रायश्चित कर लूं। या मैंने किसी पर झूठा आरोप लगा दिया था, किसी को न्यायालय में फंसा दिया था, यह भी मैंने पाप किया है, तो मेरी अब शुद्धि हो जाए। जीवन की मेरी समापन की स्थिति से पहले पहले जो भी मुझे छल कपट झूठ चोरी जो भी दोष लगे हों तो वो मेरी शुद्धि हो जानी चाहिए, गंदगी साथ में नहीं जानी चाहिए, आत्मा निर्मल होकर के जाए तो वो आगे का रास्ता भी फिर प्रशस्त रह सकता है। तो यह तपस्या है, इसका भी अपना महत्व है, संयम और तप। नए सिरे से मेरे कर्मों का बंध न हो, यह हम ध्यान रखने का प्रयास करें। बाकी तो इंसान है, पूरा गलतियां भी हो सकती है, पर अपना प्रयास यह करें भी कि नए सिरे से कोई पाप न लगे, पुराने लगे हुए पाप हैं उनका मैं शुद्धिकरण करने का प्रयास करूं। तो परम पूज्य आचार्य भिक्षु और परम पूज्य भगवान महावीर, हम भगवान महावीर से जुड़े हुए हैं, और यो धर्म की जो कई बातें हैं वो कहीं देख लो, अन्य धर्मों में भी देख लो, तो तपस्या की बात, संयम की बात, कन्फेशन की बात, ये कई चीज़ें और धर्मों में भी, यानी कई बातें समान सी है कि किसी दुकान में जाओ यह चीज़ वहाँ भी मिलती है, वहाँ भी मिलती है, तो कई चीज़ों में समानता है, किन कुछ कुछ बातों में, अनेक दर्शनों में, धर्मों में असमानता भी मिल सकती है। तो बहुत कई बातों में समानता है कि भाई झूठ मत बोलो, यह कौन नहीं कहता, चाहे जैन के पास जाओ कि बौद्ध के पास, यह कौन कहेगा भी झूठ बोला करो, यह कौन सा धर्म कहेगा खूब झूठ बोला करो, खूब चोरियां करो, कौन धर्म कहेगा। तो कई बातें अहिंसा सत्य अचौरी आदि हैं, वो विभिन्न धर्मों में हमें प्राप्त हो सकती है। तो हम लोग जैन धर्म से जुड़े हुए हैं, और जैन वांग्मय में, जैन धर्म में भी हमें यह तपस्या की बात मिलती है, समता रखने की बात मिलती है, संयम की बात मिलती है, अहिंसा की बात मिलती है, मैत्री रखने की बात मिलती है, बैर मत रखो, बैर नहीं, ये बात हमें मिलती है। तो कितनी पुनर्जन्म की बात हमें जैन ग्रंथों में, जैन शास्त्रों में मिलती है। तो यह हमारा मानो सौभाग्य है, हमें अच्छी बातें जानने को मिलती है, अच्छी बातें सुनने को मिलती है, अच्छी बातें पढ़ने को मिलती हैं, तो बहुत बढ़िया बात है, हमें अच्छी चीज़ें मिलती हैं, उन अच्छी चीज़ों के अनुसार हम जीवन पर ध्यान दें। अब गृहस्थ है, जैन है, श्रावक के 12 व्रत हैं, मौका आने पर भी 12 व्रतों को भी समझें, एक वर्ष के लिए लें भले 12 व्रतों को भी लें, फिर आगे कभी सुमंगल साधना को भी अपनाने का प्रयास करें।
तो यों अपने जीवन में बहुत अच्छा काम करें, समाज की भी धार्मिक आध्यात्मिक सेवा कर सकते हैं। कि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मेरे पास बुद्धि है, ज्ञान है, तो मैं समाज की धार्मिक आध्यात्मिक सेवा कर सकूँ, वो भी करूँ, बहुत अच्छी बात है। दूसरों की धार्मिक सेवा करने का मुझे मौका मिले, तो भले पद पर आकर के सेवा देनी पड़े, पद पर आना कोई बुरी बात नहीं है। पद पर आकर आदमी सेवा दे तो कोई बुरी बात नहीं होती है, पद पर आकर सेवा न करे वो थोड़ी गलत बात हो जाती है। तो पद पर आना कोई बुरी बात नहीं, पद पर आने से ही कई बार सेवा देने का मौका मिल सकता है कुछ बातों में। तो हम अपने जीवन में धर्म, अध्यात्म, तपस्या, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को, आत्मा को शुद्धता की ओर अग्रसर करने का प्रयास करें, यह काम्य है। दानान शिष्ठम अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बम्भचेरं लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।